डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। ATM में पैसा डालने वाली इंडिया वन के कर्मचारी से 15 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूट को कंपनी के ही एक पूर्व कर्मचारी ने अपने साथियों संग अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट में अंकित, विकास, कोमल उर्फ आदर्श शामिल हैं। ये तीनों खजूरी गांव मेरठ के रहने वाले हैं। लूट का मास्टरमाइंड विकास है। विकास इंडिया वन में टेक्नीशियन था और 1 साल पहले नौकरी छोड़ चुका था। तीनों करीब 10 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं। आज इन तीनों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। 15 मार्च को मवाना खुर्द में गांव टीकरी में यह घटना हुई थी। SP देहात कमलेश बहादुर सिंह ने आज यह जानकारी दी। ये दिनांक 19/5/2023 को थाना मवाना क्षेत्र में मवाना खुर्द चौकी के पास टीकरी गांव के पास एक इंडिया मार्ट कंपनी जो काव्या इंटरप्राइजेस की ATM में पैसे डालने का काम करती है, उसके कर्मचारी नंदन सिंह से 2 बदमाशों ने सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 15 लाख रुपए से भरा बैग छीन करके चले गए थे। इसमें काफ़ी विवेचनात्मक प्रयास किए गए और काफ़ी इनके CCTV फुटेज खंगाले गए। CCTV फुटेज को प्रसारित भी किया गया और उसी CCTV फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई और जिनके जिस पर इनको गिरफ्तार किया गया है, ये जिसमें एक अंकित और दूसरा विकास, तीसरा जो है कोमल और फादर से, ये तीनों खजूरी गांव परीक्षितगढ़ के रहने वाले हैं। विकास इसी इंडिया मार्ट कंपनी में पहले टेक्नीशियन के रूप में 1 साल पहले काम करता था, जो काम को छोड़ चुका था, और इसको पूरी जानकारी थी कि कितने पैसे ATM में डालने के लिए नंदन ले जाता है और कहां कहां से जाता है, किस रूट से जाता है और कितने बजे जाता है। इसने जो है अपनी इसके कुछ गांव में किसी से पैसे उधार थे, जिसको इसने देने के लिए बार बार वो इसको पूछ मांगता था, और इसके फिर इसने एक योजना बनाई कि अगर हम इस नंदन से पैसे की लूट करा लेते हैं तो ये पैसा भी हमें मिल जाएगा और हमारा उधारी भी ख़त्म हो जाएगा। योजना बनाकर इसने अपने गांव के ही 2 लड़के, जिनके नाम अमित और कोमल हैं, इनको तैयार किया और उनकी पूरी पहचान कराई, पूरे एरिया की रेकी कराई, और उसके बाद इन्होंने 15 तारीख को उस अपनी योजना के अनुसार मवाना खुर्द में जा करके वहाँ से उसका गंगानगर बैंक से पीछा करते हुए मवाना खुर्द तक पीछा किया, और जब वो बैसुमा ATM से लौट रहा था तो गांव तिगरी के पास इन्होंने उसको कट्टा दिखा करके पैसे से भरा बैग छीन करके फरार हो गए, और उस पैसे से भरे बैग को ले जा करके इन्होंने परीक्षितगढ़ में मंडी क्षेत्र में इन्होंने उस पैसे का बंटवारा किया। उसके बाद ये दिनांक जो है 20 से लेकर के 23 तारीख तक ये मसूरी और हरिद्वार चले गए। उसके बाद ये काठमांडू 6 दिन के लिए चले गए, जहाँ पर इन्होंने वहाँ से लौट के आए, और इसी पैसे में से कोमल ने 2.5 लाख रुपए की एक बीट कार खरीदी, और कोमल ने भी और अंकित ने भी इस पैसे से 2 मोबाइल नए खरीदे। बाकी पैसे इन्होंने कुछ अपने घरेलू कार्यों में लगाए। इनसे कुल अभी जो है 2,51,000 नगद और 1.5 लाख रुपए की कार और 2 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 50,000 है, कुल 5,51,000 रुपए बरामद हुए हैं इनसे, और इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।